हेलो, माइसेल्फ इज सत्य नारायण, टीम मैथ सीएलसी। सो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ मैथमेटिक्स, जेई एडवांस क्वेश्चंस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला फ्रॉम लास्ट 16 टू 20। तो हम लोग जो है पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ कि ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो क्वेश्चन हैं, F1 x1,0 f1 x1,0। यार x1,0, f2 x2,0, x1 इज नेगेटिव, x2 इज पॉजिटिव, फोकाई ऑफ द इलिप्स आर f1 एंड f2। सपोज ए पैराबोला, ये इलिप्स है, ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट f2, इंटरसेक्ट द इलिप्स एट द पॉइंट m एंड एट द पॉइंट n। देन हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में है द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल F1MN, तो इसका आर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो चलते हैं अगले पेज पे हम लोग। तो यहां से हम देखते हैं कि ये हमारा तो ये क्वेश्चन है क्या कि इलिप्स दिया हुआ है हमें आर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो हम लोग इलिप्स दिया हुआ है तो इलिप्स दिया हुआ है हमारे पास कि x square by 9 प्लस y square by 8 इक्वल टू 1। और पैराबोला, ये इलिप्स हमें दिया हुआ है, तो इलिप्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डायग्राम ड्रॉ होगा। यहाँ f1 होगा और यहाँ f2 होगा। तो यहाँ से पैराबोला ड्रॉ हो रहा है जो इसको M और N पे कट कर रहा है। ये आपका M पॉइंट है और ये आपका N पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि M और N का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें आर्थो सेंटर फाइंड करना है F1MN1, इसका आर्थो सेंटर हमें फाइंड करना था, जिसके लिए हमें M और N की जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पैराबोला कैसे निकालेंगे। तो पैराबोला के लिए हमें सबसे पहले F1 और F2 का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा, 1 - b² / a² रख देते हैं, 1 - b² / 8/9 यह आ जाएगा 1/3। a दिया हुआ है हमारे पास 3, तो ae की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1/3, दिस इज 1। तो f1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1,0 AE,0 -AE,0 और F2 क्या हो जाएगा, AE,0 1,0। ये F1 और F2 आ गया। अब अगर हम लोग देखते हैं तो A इस पैराबोला का A,0 A1 है, तो पैराबोला की इक्वेशन y² = 4 × a × x होगा। A की वैल्यू 1 रख देते हैं, 4x पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया। सॉल्व विद इलिप्स, सॉल्व y² = 4x विद द इलिप्स, x² / 9 प्लस
वाई स्क्वायर बाई एट इक्वल टू वन, इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि इसको वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम फोर एक्स यहां रख देते हैं, फोर एक्स बाई एट इक्वल टू वन, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहां ये फोर है, फोर एक्स, इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू दे दे और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू एक्स, एक्स में ये रख देते हैं, यहां से वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट सिक्स आ गया, प्लस माइनस रूट सिक्स आ गया। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहां एम, यहां एन है, एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्री बाई टू कॉमा प्लस रूट सिक्स और थ्री बाई टू कॉमा माइनस रूट सिक्स, और ये एफ वन जो कि माइनस वन कॉमा जीरो है। और ध्यान देना है यहाँ से ये एक्स एक्सिस जा रहा है, एक्स एक्सिस है, तो आर्थो सेंटर नो डाउट यहाँ पे ही लाई करेगा सी एक्स एक्सिस पे। तो लेट कर लेते हैं ये अल्फा कॉमा जीरो है, अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, आर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहां से आर्थो सेंटर से जो इस वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, तो यहां इसको एन एम, इसको एक्स मान लें, तो स्लोप ऑफ एक्स एम, स्लोप ऑफ एक्स एम इंटू स्लोप ऑफ एच एन, एच एन कर देंगे, ये वैल्यू माइनस वन के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा। तो यहां से अल्फा हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस नाइन बाई टेन, ये यहां से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग वी गेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई टेन। तो यहां से हमारे पास, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें x नहीं पता है, तो ये लाइन को हम f1 यूज करेंगे। तो यहां पे हम लोग यहां पे ये देखते हैं कि यहां पे जो हमें यूज करना है, यहां पे जो यूज करना है वो हमें यूज करना है f1m इसका स्लोप और hn का स्लोप, जो पॉइंट पता है उसी से हम पॉइंट लेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसका प्रोडक्ट माइनस वन कर देंगे। इनफैक्ट हम चलो कर देते हैं यहां एफ वन एम, तो वाई टू माइनस वाई वन रूट सिक्स, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री बाई टू माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा इन टू, और ये क्या हो जाएगा एम एच एन एच एन, तो यहां पे वाई टू माइनस वाई वन कर देंगे तो जीरो माइनस माइनस ऑफ सिक्स प्लस रूट सिक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको सॉल्व करके वी गेट दिस अल्फा, सो ऑर्थो सेंटर एच का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, एच क्या हो जाएगा माइनस नाइन बाई टेन कॉमा जीरो, दिस इज द ऑर्थो सेंटर, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, पैराग्राफ वही है, इफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट एम एंड एन, तो ये हमारे पास टेंजेंट टू द इलिप्स एट एम एंड एन है, तो टेंजेंट टू द इलिप्स एट एम एंड एन, तो टेंजेंट टू द इलिप्स एट एम एंड एन मीट्स एट आर एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट एम मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एम क्यू आर
and the quadrilateral M F1 N F2, ये क्या होगा, ये क्या रेशियो आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग ये करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो यहां से, तो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चन में देखते हैं कि यहां पे क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग कुछ चीजें कर चुके हैं कि जो आपका m और n है, तो क्वेश्चन में m और n के कोऑर्डिनेट निकाल चुके थे। तो m का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, m का कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा प्लस रूट 6 था, और n का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, 3/2 कॉमा माइनस रूट 6 था। ये m और n का कोऑर्डिनेट आ गया था, और फाइंड क्या करना है, रेशियो। तो क्या कहा गया है कि द टेंजेंट टू द एलिप्स एट m एंड n, तो एलिप्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहां m है और यहां n है, कहा गया है द टेंजेंट टू द एलिप्स एट m एंड n मीट एट r एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मीट एट x एक्सिस एट q। तो जो टेंजेंट एट m एंड n है, तो टेंजेंट एट m एंड n ऑफ द एलिप्स मीट एट r, तो हम लोग मान लेते हैं कि टेंजेंट यहां इस तरीके से, यहां ये r पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, पैराबोला यहीं से हमें पास कर रहा था, ये पैराबोला यहीं से पास कर रहा था, और पैराबोला की इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी जान रहे थे, y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हमारा m था 3/2 कॉमा माइनस रूट 6, सो टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन पैरा एलिप्स पे x x1, x1 क्या है 3/2 बाई ए स्क्वायर, एलिप्स हमारे पास ये 9 है, प्लस y y1 बाई 8, दिस इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स था, जहां x एक्सिस को मीट करेगा वहां y 0 पुट कर दें, तो y इसमें हम 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास यहां से देख रहे हैं हम, ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास कि x बाई 6 इक्वल टू 1, और y 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगा। तो ये हमारा जो r कोऑर्डिनेट, r का कोऑर्डिनेट है वो 6,0 आ गया, ठीक है। तो यहां से भी वहीं पे कट करेगा, m n मीट एट r, नॉर्मल टू द पैराबोला एट m, तो m पे नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल, नॉर्मल एट द पैराबोला एट m मीट्स द x एक्सिस एट q, तो पैराबोला का नॉर्मल, पैराबोला का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, वो कह रहे हैं कि नॉर्मल जो x एक्सिस को मीट कर रहा है वो q पे मीट कर रहा है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट q, तो हमारा पॉइंट q फाइंड करेंगे, ठीक है। तो q पॉइंट फाइंड करेंगे, तो q पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, q पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे dy बाई dx निकालते हैं, तो 2yy' इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहां से y डैश की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2/y, और y रख दे हम तो ये आ जाएगा 2/-√6 y की वैल्यू m पॉइंट पे -√6 है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल y, यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये √6/2 हो जाएगा।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल y माइनस वाई वन प्लस रूट सिक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन इज 3/2 और x एक्सिस पे y 0 पुट कर दे, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करें, रूट सिक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू x माइनस 3/2 है और यहां से x मिल गया हमारे पास 2 प्लस 3/2 जो कि मिल जाएगा 7/2। तो जो हमारा q का कोऑर्डिनेट है, ये q का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 7/2, 0। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल MQR, MQR, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल MQR, ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाफ बेस, बेस हमारे पास यहां QR है, QR ये देख सकते हैं 6 - 7/2 है, इंटू हाइट को h मान लेते हैं, हाइट को h1 मान लेते हैं, h मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ गया। अब आगे हमें फाइंड करना है m, f1, f2 और n, इसका एरिया। तो f1 हमारे पास यहां पे था, f2 हमारे पास कहीं यहां पे है, यहां पे मान लेते हैं f2 है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये f1 है, ये f2 है और यहां पॉइंट m है, तो ये ट्रायंगल यहां भी एक बन रहा और एक ट्रायंगल यहां भी बन रहा है, ये बाई सिमेट्री से ये h है, ये भी h ही है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ f1 f2 mn, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो हम यहां लिखा गया है वैसे ही लिख देते हैं, तो हाँ f1 लिखा गया है, f1 mf1 nf2, दिस एरिया, ये इस पूरे का एरिया। तो ये देख रहा है कि ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल 2 times half बेस f1 f2 2 है, इंटू हाइट h है, तो यहां से ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2h। यहां भी हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ आएगा, तो इनका रेशियो चाहिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज टू दिस वन, तो इसका और इसका रेशियो चाहिए, सो रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड द रेशियो, अब यहां से ये देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5/8, तो 1/2 इंटू 5/8 इंटू एच डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ गई है 2h, तो ये h से h कट गया और यहां पे 5/8, तो इसका आंसर कुछ थोड़ा सा कहीं ये 2 times है, तो 2 times यहां पे रिक्वायर्ड एरिया 2 times है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये एक मिनट 8 नहीं, ये 2 है, यहां पे थोड़ी सी गलती है, यहां पे ये 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 था, तो टोटल हमारे पास ये कैलकुलेशन एस से एस कट गया, ध्यान दीजिए यहां पे 5/2 है, 5/2 इंटू 1/2 5/4 और बाई 2, तो ये 5/8 आ गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। This is the required ratio. ये आपका आंसर है। Hope this is understood by you. Next question पे आप चलते हैं, तो हम लोग next question पे चलते हैं। Next question क्या है? Question number 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, इफ दिस लाइन,
is tangent to the hyperbola this. X square by a square minus y square by 16 equal to 1. Then which of the following cannot be the side of a right angle triangle? एक राइट एंगल ट्राइंगल का यहां एक थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि यहां पे ये 2a है, s कहीं नहीं है, तो यहां ये 2a होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2a41 a41 a42 2a81, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अगर ये टेंजेंट है हाइपरबोला पे, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द राइट एंगल ट्रायंगल्स साइड। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये टेंजेंट है अगर इस हाइपरबोला का, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस टेंजेंट को इस हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर लूं और उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दूं, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व वाई इक्वल टू 2x+1 विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां वाई की वैल्यू रख देंगे तो 2x+1 बाई 16 इक्वल टू 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1/16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² + 1 + 4x हो गया इज इक्वल टू 1। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 1/a² माइनस 4/16 which is 1/4। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ गया, और x का टर्म कितना आएगा, ये जब 1/16 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4x का टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या है ये हम लोग देखते हैं, तो -1/16 इधर आके -1, तो -1 -1/16 ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। और इसका हम डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये इसका टेंजेंट है तो टेंजेंट का हाइपरबोला के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दो नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, मतलब रूट्स इक्वल हो जाएंगे। रूट्स इक्वल मींस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, बी स्क्वायर 1/4 b² - 4ac, 4a इज वॉट 1/a² - 1/4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी इज दिस वन, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17/16 है, ये 17/16 है, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, 1/16 + 4 × 1/a² - 1/4 × 17/16 = 0। ये 16 से 16 ये कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया। अब हम देखते हैं क्या कि ये 1 + ये 4 × 17/a² - 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, 4 × 17 से इसको मल्टीप्लाई करके ये बन गया। तो यहां से हम देखते हैं कि ये 16 बन जाएगा, तो 4 × 17/a² और ये हो जाएगा 16, उधर जाके 16 बन जाएगा, ये बन गया, जिसमें हम देखते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 17/4, ये ए स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू मिल जाएगी 17/4। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, और ए स्क्वायर अंडर रूट 17/2 आ गया। अब इससे हम लोग ये सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, सो जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई होगा
वो हमारा आंसर है, जिसमें नहीं होगा वो आंसर नहीं है। तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट इस ए के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा ये भी, इसमें भी पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर हो गया। और डी में भी हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा हम लोग चेक करके एक देख सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए इसको हमें चेक करना है, तो ए दिया हुआ है, तो हमें ए स्क्वायर 17 बाई 4 और 4 और 1, तो हम देखते हैं किसी का एक इसका स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर 17 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये तीनों आंसर हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ये देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहे हैं कि इफ द कॉर्ड विच इज नॉट द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x हैज द इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन दिया हुआ जिसका मिड पॉइंट एच के है, मिड पॉइंट एच के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एच एंड के, तो पी और एच और के की वैल्यू क्या होगी पॉसिबल। तो पैराबोला दिया हुआ है, बेसिकली ये पैराबोला हम मान लेते हैं कि ये पैराबोला दिया हुआ है, और इस पैराबोला का एक कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है एच कॉमा के दिया हुआ है इसका मिड पॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल सेटिस्फाई पी एच एन के। तो हमें पता है मिड पॉइंट, अगर हमें किसी भी कॉर्ड का पता होता है तो हम लोग टी इक्वल टू एस वन लगा देते हैं, तो टी इक्वल टू एस वन, वेन द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए कर्व इज गिवन, देन उस मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में टी इक्वल टू एस वन लगा देते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हम इस पैराबोला का टी लिखते हैं, तो वाई इंटू के टी माइनस 8 इंटू एक्स प्लस एच, ये टी हो गया, और एस वन क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 16h, ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, बट ये कॉर्ड की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो 8x माइनस के वाई इस साइड में ले गए और प्लस 8h प्लस के स्क्वायर माइनस 16h, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हुज मिड पॉइंट इज hk। तो ये 8x हो गया माइनस के वाई हो गया, और यहां से हम देख रहे हैं कि ये प्लस के स्क्वायर माइनस 8h कैंसिल हो जाएगा, 8h बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू 0। ये कॉर्ड की इक्वेशन है, बट कॉर्ड इज अगेन गिवन है, बट कॉर्ड इज 2x प्लस y माइनस पी, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, 1 एंड टू आर सेम, तो कोफिशियंट्स के बीच रेशियो सेम कर देंगे, तो यहां 8 यहां 2 है एक्स का कोफिशियंट, यहां माइनस के है और यहां प्लस 1 है, और यहां हमारे पास के स्क्वायर है माइनस 8h और यहां माइनस पी है,
तो ये एच के और पी में एक रिलेशन आ जाएगा और यहां से हम लोग जो है देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से हमें आंसर पता चल जाएगा। सो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से -k = -k = 4 मिल गया, -k = 4 तो k = -4 हो गया, k तो हमें मिल गया, तो k = -4 इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब इन्हीं दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है, k = -4 मिल गया है। और बाकी अगर मैं इस रिलेशन को इससे कंपेयर करता हूं तो 4 = क्या आ जाएगा, k² - 8h / -p, तो ये हो जाएगा -4p = k² - 8h, ये आ गया, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ के एच एंड पी, तो अब इन दोनों में से अगर हम सेटिस्फाई करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखिए पी की वैल्यू रख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा -8, और के की वैल्यू -4 रख दें तो 16 हो गया, -8 एच की वैल्यू 3 रख दें तो ये हो जाएगा 16 - 24 विच इज -8। सो ये हमारा सही हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसको भी चेक कर लें, इसको भी इस रिलेशन में रख दें तो p = -2 रख देंगे तो यहां 8 हो जाएगा, p = -2 रख दिया तो 8 हो गया, और k की वैल्यू यहां तो 16 ही हो जाएगा, और h की वैल्यू 2 रख दिया तो -h की वैल्यू 2 रख दिया तो 16 हो जाएगा, ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, तो ओनली ऑप्शन इज दिस वन। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कंटेन द कोनिक्स इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड कोनिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ है, यहाँ उनके टेंजेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ कर्व की इक्वेशंस दी हुई है, इसमें हमें ये चेक करना है कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम लोग उस क्वेश्चन उस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ ए टेंजेंट टू ए सुटेबल क्वाइन कॉनिक कॉलम वन इज फाउंड टू बी y = x+, मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन y = x+8 है एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 8, 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं, तो ये क्वेश्चन है, देखिए टेंजेंट की इक्वेशन दिया हुआ है, सो टेंजेंट यहां दिया हुआ है, हमारे पास टेंजेंट दिया हुआ है, सो टेंजेंट दिया हुआ है हमारे पास y = x+8, ये टेंजेंट की इक्वेशन दिया हुआ है y = x+8 और 8, 16 ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो यहां से क्लियर है कि जो हमारी इक्वेशन होगी, जो इक्वेशन होगी उसका m स्लोप m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 1 है। अब हम टेंजेंट देखिए, टेंजेंट क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि पैराबोला है y = mx + ay, जैसा दिख रहा है तो इसलिए हम लोग यहां पे पैराबोला मान लेते हैं, पैराबोला कर्व ले लेते हैं y² = जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है y² = 4ax, ये दिया हुआ है। अब इसका टेंजेंट हम जानते हैं क्या होता है, y = mx + a/m,
ए बाई एम, इसे अगर हम कंपेयर करें और पॉइंट निकालें, तो इसे अगर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू 1 इसमें रख देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये हमारा टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, जिसमें पॉइंट इसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो जो पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, टेंजेंट की इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, वो a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस टेंजेंट की इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो a हमारे पास आ गया 8, और यहाँ पुट कर दें तो a की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, m की वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 स्क्वायर पुट कर देते हैं, और यहाँ 2 इंटू ए दैट इज 8 और 1, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 8,16 आ गया, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है। सो इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, थर्ड कॉलम 1, कॉलम 1 का थर्ड है, कॉलम 2 का, कॉलम 1 का थर्ड है, कॉलम 2 का फर्स्ट है, फर्स्ट है, और कॉलम 3 का, कॉलम 3 का पी है, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, इस तरीके से हम लोगों ने ये चेक कर लिया। यहां चेक ही करना है इस क्वेश्चन में, आपको बस कॉम्बिनेशन चेक करना है। सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं ए की वैल्यू अगर हम लोग ले ले, अगर हम लोग ए की वैल्यू ले ले, ए की वैल्यू रूट टू ले ले, इफ ए इज रूट टू टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सुटेबल कॉनिक इन कॉलम 1 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1,1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो अगले पेज पे चलते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं यहां। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू रूट टू, ए इक्वल टू रूट टू दिया हुआ है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट -1,1 दिया हुआ है, -1,1 दिया हुआ है, पॉइंट -1,1 दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं कि ए की वैल्यू रूट टू, पहले कॉलम में पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में ए की वैल्यू रूट टू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 2। तो कॉलम 1 का ये हम ट्राई कर रहे हैं, कॉलम अब सर्कल है, y स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपका सर्कल है, सर्कल के साथ करेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। तो ये जो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक हिंट है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1,1 है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस कर्व पे लाई कर रहा है, ये श्योर है। तो ये हमारे पास ये देख रहे हैं कि -1,1 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें चेक क्या करना है कि इसका फर्स्ट का जो कि सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट स्लोप के फॉर्म में हम जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है, ये है जिसमें a की वैल्यू रख दे अगर हम, और इस पॉइंट पे टेंजेंट से कंपेयर कर दे, तो टेंजेंट हमें पता है कि -1
माइनस वन कॉमा वन पे टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। इस टेंजेंट की इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दें तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस वन कॉमा वन हो जाएगा वो हमारा आंसर है। तो कॉलम वन का हम देख रहे हैं, कॉलम वन का पहला ले रहे हैं, कॉलम टू में भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई है, तो वो है वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां वाई इक्वल टू एम एक्स जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस वन कॉमा वन मिल रहा है, तो इसको और इसको हम कंपेयर कर देते हैं। तो m की वैल्यू यहां देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू आ गया, तो m की वैल्यू वन आ गई, और बाकी जो हमारा माइनस टू है m की वैल्यू वन आ गई, a की वैल्यू तो हमें पहले से ही दिया हुआ था, a रूट टू दिया हुआ था। तो अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो q ऑप्शन में ये पॉइंट रख देते हैं, तो q ऑप्शन हमारा कॉलम थ्री का जो Q ऑप्शन है वो क्या है, Q ऑप्शन है माइनस एम ए बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर कॉमा ए बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इस ऑप्शन में एम वन रख दें और ए रूट टू रख दें तो ये हमारा यही पॉइंट बन जा रहा है, माइनस वन कॉमा वन आ रहा है। इसका मतलब कॉलम थ्री का जो हमारा ऑप्शन है वो Q है। So this is the correct combination. This is the correct combination, जो सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू ए सुटेबल कॉनिक इन कॉलम वन एट द पॉइंट रूट थ्री कॉमा वन बाई टू इज फाउंड टू बी रूट थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहां पॉइंट दिया हुआ है, यहां पॉइंट दिया हुआ है। सो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये हम लोग लिख लेते हैं। पॉइंट दिया हुआ है रूट थ्री कॉमा वन बाई टू, और टेंजेंट की इक्वेशन दिया हुआ है, टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन दिया हुआ है रूट थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, ये टेंजेंट की इक्वेशन दिया हुआ है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के यहां पे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहे हैं, जो m की निगेटिव वैल्यू के लिए ऑप्शन r को सजेस्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि ये y इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, इसका स्लोप निगेटिव है और टू से डिवाइड करने पे ये टू हो गया, तो ये हमारा टेंजेंट है जिसका स्लोप हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि एक निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इसका स्लोप निगेटिव है, और ये स्लोप निगेटिव है तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहे हैं इस आर में, ये दिख रहा है। आर ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आर दिया हुआ है जो कॉलम थ्री का माइनस ए स्क्वायर एम वाई वन प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर है कॉमा वन बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर।
प्लस वन है, तो ये ऑप्शन लग रहा है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कंपेयर कर ले, तो यहां से कंपेयर करें तो जैसे इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट से डिवाइड करें तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाई एफसीसा बाई ऑर्डिनेट का रेशियो देखते हैं तो माइनस ए स्क्वायर एम बाई वन ये आ गया, और यहां एफसीसा बाई ऑर्डिनेट का रेशियो देखते हैं तो ये टू रूट टू आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि m की वैल्यू अगर हम रख दें, m की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई टू, ये टू रूट टू आ गया, तो ये देख रहे हैं कि रूट थ्री से रूट ए सॉरी रूट थ्री है, यहां यहां गलती हो गई थोड़ी सी, ये रूट थ्री है, ये रूट थ्री है, तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, और यहां से हम देखते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई फोर, ए स्क्वायर की वैल्यू फोर आ गई, तो ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू फोर आ गई, तो ये चीज जो है ये कहां पे हो रहा है, ये इलिप्स में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इलिप्स का टेंजेंट है, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो हम लोग इस पॉइंट को रख देते हैं। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं कॉलम वन का, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू फोर रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये रख के हम देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू रूट थ्री रख दें ये थ्री हो गया, प्लस फोर इंटू वाई की वैल्यू वन बाई टू रख दें तो वन बाई फोर हो गया इज इक्वल टू ये फोर आ रहा है, ये फोर से फोर कट गया तो ये फोर इक्वल टू फोर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कर्व हमारा है। तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, कॉलम वन में सेकेंड ऑप्शन, कॉलम टू में फोर्थ, और कॉलम थ्री में आर, कॉलम थ्री में आर, ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, करेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि हमारे पास दिया हुआ है बी ऑप्शन में, करेक्ट, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर सेवन था ये इस पैराग्राफ का। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर एट है, इसको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि लेट एच इज ए हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ है जिसमें ए बी से ग्रेटर का केस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन हुज कंजुगेट एक्सिस इज एल एम सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स एन, लेट द एरिया ऑफ द एल एम एन इज दिस वन, देन एक इसके बेस पे एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है तो ये कॉलम दिया हुआ है, तो हम लोग अगले पेज पे चल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे, तो अगले पेज पे ये सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं कि हाइपरबोला हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर एट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइपरबोला दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है, और ये हाइपरबोला इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे इन्होंने क्या कहा है कि ये एक वर्टेक्स है और इसको एन से डिनोट कर देते हैं,
ठीक है। ये एन है, एल एम इज एल एम, इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये बी है, ये भी बी है, ये ए होगा। तो यहां से एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यहां 30 है, यहां भी 30 है, 30 डिग्री। तो ये दिया हुआ, यहां पे हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं क्लियरली कि tan 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई ए, ये एक इक्वेशन बी और ए में मिल गया हमें। दूसरा दिया हुआ है इस ट्राइंगल का एरिया, सो एरिया ऑफ एल, एरिया ऑफ एल एम एंड एन, दिस इज गिवन 4√3, 4√3 दिया हुआ है। तो एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हाफ बेस, बेस 2b है, इनटू हाइट, हाइट हमारे पास a है, ये 4√3 दिया हुआ है, यहां से 2 से 2 कट गया, a इंटू बी, ये 4√3 आ गया। अगर हम इसी इक्वेशन से चलते हैं तो tan 30 1√3 पुट कर देते हैं ये वैल्यू, ये b बाई ए है। अब यहां ए बी को हमें यूज करना है तो हम क्या करें, यहां से a से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया 1√3 इज इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू 4√3 यहां पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में यहां ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई जो कि कितना है, 4 × √3 √3 = 12, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। 20 की वैल्यू हम लोग कहीं से निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू मान लीजिए यहीं से निकालना चाहते हैं, तो बी इक्वल टू ए इंटू टेन 30 दैट इज √3, यहां पे हम रख देते हैं बी की वैल्यू के लिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √12, √12 क्या होता है, 2√3 / √3, यहां से ये बी मिल गया, तो यहां से बी स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर कितना मिल गया, 4। अब हम लोग मैच करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस पी, पी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितनी है, पी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b है, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b जो कि क्या है, 2 × और b की वैल्यू हमारे पास यहां कितनी आई है, b की वैल्यू आई है 2, तो ये हमारे पास 4 आ गया, जो कि 4 फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब p का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। q का हम लोग देखते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला पूछा गया है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हमें पता है कि क्या है, कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 1 + b² / a² यहां से हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 + b² 4 दिया हुआ है, a स्क्वायर दिया हुआ है 12, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके कितना आ रहा है, 2 / √3 जो कि दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो Q का सेकंड ऑप्शन सही है, तो Q का हम देख रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन सही है, ये सही मिल गया, तो ये पहला P पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा Q पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा पार्ट R सॉल्व करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये क्या है, 2ae, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, 2a हमारे पास कितना दिया हुआ है, a हमारे पास कितना है, 2√3,
टू रूट थ्री, ई कितना है हमारे पास टू बाई रूट थ्री, ये कैंसिल हो गया और ये टोटल वैल्यू आ गई एट। तो हम देखते हैं आर वन से मैच कर रहा है, तो आर क्या हो गया, आर वन से मैच कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं एस किससे मैच कर रहा है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एच, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या होती है, तो यहां हम लोग देखते हैं एस ऑप्शन में लेटेस्ट रेक्टम आर 2b स्क्वायर बाई ए, यहां b स्क्वायर और a स्क्वायर a की वैल्यू रख देते हैं, तो b स्क्वायर हमारे पास 4 है तो 2 इंटू 4 बाई ए, ए कितना है 2 रूट 3, 2 से 2 कट गया ये आ गया 4 बाई रूट 3, 4 बाई रूट 3 ये सेकेंड ऑप्शन में है। तो s हमारे पास मैच कर गया किससे, s 2 ऑप्शन से सेकेंड से। So, ये जो है हम देखते हैं कि B में दिया हुआ है B, सो टोटल ये P, P4, Q2, R1, S2, सो B ऑप्शन इज करेक्ट, B ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखते हैं, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच टेंजेंट टू द बोथ सर्कल एंड द पैराबोला, let these lines intersect at the point Q, consider the ellipse whose center is at origin and whose semi major axis is OQ, if length of minor axis of the ellipse is root 2 then which of the following options are true, to inme se hame क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो हम लोग चलते हैं, दो चीजें करना है, एक इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सबसे पहले सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, ये सर्कल दिया हुआ है। कंसीडर द टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच आर द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला, और पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये पैराबोला दिया हुआ है। लेट दीज इंटरसेक्ट एट क्यू, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल दिया हुआ है, तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहां ये सर्कल दिया हुआ है और ये पैराबोला है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट क्यू पे कर रहे हैं, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं, क्यू इंटरसेक्ट है। कंसीडर द एलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज ओ क्यू, अच्छा ये क्यू जो है, क्यू हमारा क्या है कि इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस पे, कंसीडर द टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ सर्कल एंड पैराबोला, कंसीडर द टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल और पैराबोला दोनों पे टेंजेंट है। Let these intersect at the point Q. Consider the ellipse whose center is 0, 0. And तो दो स्ट्रेट लाइन है क्यू पे, ये जहां मीट कर रहे हैं, टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ सर्कल एंड द पैराबोला, तो ये सर्कल है और ये पैराबोला है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्यू है, ये कहा गया है इनफैक्ट।
तो यहाँ थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज में ये जो पॉइंट है क्यू है, इस पर टेंजेंट जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, वो क्यू पे मीट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, पैराबोला का टेंजेंट हम जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम है। ये सर्कल का भी टेंजेंट कब हो जाएगा, तो ये सर्कल का इज आल्सो द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज आल्सो टेंजेंट ऑफ सर्कल इफ सी पी इक्वल टू आर, सी पी इक्वल टू आर सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल कर दे। तो सी पी इक्वल टू आर जीरो जीरो से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, तो ये जीरो माइनस जीरो प्लस वन बाई एम का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर रेडियस सर्कल का कितना है, टू। तो यहां से हमें एक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये रूट टू बाई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का वन प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हम लोग देखते हैं कि ये टू बाई एम स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर हो गया, दिख रहा है यहां से क्लियरली एम स्क्वायर की वैल्यू वन होगी, तो एम हमारा प्लस माइनस वन होगा। तो ये दो टेंजेंट जो बनेंगे वो ये बनेंगे, एक का स्लोप एम हो जाएगा, एक का स्लोप माइनस वन हो जाएगा। तो ये जहां पे कट कर रहे हैं, लेट दीज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कंसिडर अ टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू द बोथ सर्कल एंड द पैराबोला, एक सर्कल पे है और एक पैराबोला पे है। लेट दीज लाइन इंटरसेक्ट एट क्यू, कंसिडर द इलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज ओ क्यू। तो हमें बेसिकली क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम टेंजेंट ले लेते हैं वाई इक्वल टू, एक बार एम की वैल्यू वन लेने पे ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए बाई ए कितना है, वन है, एक टेंजेंट ये हो जाएगा, दूसरा टेंजेंट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो दोनों जो कट कर रहे हैं ये कहां पे कट कर रहे हैं, इफ दीज इंटरसेक्ट्स एट क्यू, ये दोनों क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्यू पे, ये क्यू पॉइंट है एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, कंसीडर द टू लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला, इफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट क्यू एट द पॉइंट क्यू, कंसीडर इलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड ओ क्यू। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो क्यू हमारे पास यहां आ गया क्या, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो ये 1, 0 आ गया, 1, 0 आ गया, 1, 0 पे तो हमारे पास जो इलिप्स ड्रॉ हो रही है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, क्योंकि एक क्यू लिया है तो दूसरा क्यू डैश ले सकते हैं हम, तो इलिप्स इस तरीके से हमारी ड्रॉ हो रही है। ये कह रहे हैं क्यू, ये ओ है ओरिजिन, और ओ क्यू, ओ क्यू इसका क्या हो गया, ओ क्यू इसका सेमी मेजर एक्सिस हो गया, तो ये इसको हम क्यू डैश ले लेते हैं, क्यू डैश ले लेते हैं, और इसका सेमी माइनर एक्सिस जो दिया हुआ है, माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज रूट टू, तो इसका मतलब रूट टू ये टोटल लेंथ है, तो ये वन बाई रूट, ये रूट टू बाई टू हो जाएगा, मतलब वन बाई रूट टू ये हो जाएगा, वन बाई रूट टू ये हो जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि देखिए यहां पे हम लोगों को क्या है, ए की वैल्यू क्लियरली वन मिल गई और बी की वैल्यू क्या मिल गई, वन बाई रूट टू। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पहला पार्ट तो सॉल्व कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें अगर हम, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज वन बाई टू और ए स्क्वायर इज वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू, तो ये वन बाई रूट टू जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। और दूसरा यहां क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हम लोग दूसरे पार्ट को इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि जो ये आपका इलिप्स बन रहा है,
ये जो इलिप्स बन रहा है यहां, अगर ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये एक लाइन है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि ए हमारे पास क्या आ गया था, ए आ गया था 1 और बी आ गया था 1/√2। तो जो इलिप्स की इक्वेशन है वो हमारे पास x²/1 + y²/1/2 = 1, ये इलिप्स की इक्वेशन थी, जिसको हम अगर चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x²+2y²=1। कह रहे हैं कि ये x=1/2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग सी ऑप्शन को देखते हैं तो कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स बिटवीन x=1/√2 and x=1। तो यहां क्या दिया हुआ है, x=1/√2 and x=1, इसके बीच में बाउंडेड एरिया x=1 ये है, तो बाउंडेड एरिया हमारा ये हो जाएगा। तो हम बाउंडेड एरिया यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बाई सिमेट्री ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एरिया को, रिक्वायर्ड एरिया हम लोग निकालेंगे, तो 2 times ऑफ एरिया 1/√2 से 1 तक लिमिट लगाएंगे और y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, जहां ये क्या हो जाएगा 2y²=1 - x² और यहां से y² की वैल्यू 1/2 1 - x² हो जाएगा और y की वैल्यू यहां 1/√2 और √1 - x² हो जाएगा। ये y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, इसको यहां रख देते 1/√2 और √1 - x² dx। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये 2/√2 और यहां ये 1/√2 से 1 तक और √1 - x². फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है, 2/√2 ये हो गया, और 1 - x² का इंटीग्रल x/2 √1 - x² + 1/2 sin inverse x, और इस पर लिमिट क्या लगा देंगे हम, इस पर लिमिट हमारा 1/√2 से और यहां पे 1 तक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा के, तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका जो ऑप्शन सी है, ये 1/4√2 × π - 2² ये एरिया आ जाएगा। सो इसलिए हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, ए एंड सी आर करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस जो हमें मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया जा रहा था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ द इलिप्स एंड कलेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल्स वेयर ई1 इज गिवन एंड R1 इज द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया विद साइड पैरेलल टू द एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन द E1। ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो ये देख रहे हैं ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा E1 दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है वो x²/9 + y²/4 = 1 दिया हुआ है। ये हमारे पास E1 दिया हुआ है,
और आर वन रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड पैरेलल टू द एक्सिसेस। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये एरिया, ये इलिप्स है, इलिप्स इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका ईवन है, ईवन है। तो यहां पे जो लार्जेस्ट एरिया बनेगा रेक्टेंगल का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका आर वन हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, अगर हम इस पॉइंट को ले लें ए कॉस थीटा, थ्री कॉस थीटा, टू साइन थीटा, तो क्योंकि ये लार्जेस्ट एरिया है, अगर हम इसको देखते हैं कि इसका लार्जेस्ट एरिया बनाना है तो ये एरिया भी लार्जेस्ट ही होगा। तो हम देखते हैं कि ये बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ आर वन कह सकते हैं हम, तो फोर टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट, थ्री कॉस थीटा इंटू हाइट, टू साइन थीटा। यहां से हम क्लियरली दिख रहे हैं 12 साइन टू थीटा। अब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन टू थीटा वन होगा, तो टू थीटा हमारे पास पाई बाई टू यहां ले लेते हैं और थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर हो गया। तो हमारे पास जो ये पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थ्री बाई रूट टू कॉमा टू बाई रूट टू। अब क्या हो रहा है कि इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आर वन और ईवन ये दोनों पता चल गया। अब अगर हम यहां पे इसके अंदर, इन्होंने कहा है कि ये एक इलिप्स बन रहा है और फिर इसके एंगल अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस तरीके से ये E2 हो जाएंगे और R2 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा E2 है, E2 है उसका जो A है वो क्या हो रहा है, E2 के, E2 का A क्या हो रहा है, ये हो रहा है E1 के A में रूट टू से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम लोग यहां देखते हैं तो इसका A क्या है कि A बाई रूट टू हो रहा है और B क्या हो रहा है, B बाई रूट टू हो रहा है, ठीक है। तो E2 में इसका मतलब क्या है, जो हमारी E2 की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाई a बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b बाई रूट टू का स्क्वायर, रूट टू से डिवाइड होता जा रहा है। तो देखिए इलिप्स में क्या हो रहा है, इलिप्स में पहले का a b, a पहले का e1 का a b था, तो e2 का क्या हो गया, a बाई रूट टू, b बाई रूट टू। फिर e3 का क्या हो जाएगा, सिमिलरली a बाई रूट टू, इसका रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, b बाई रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। सिमिलरली r1 में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पहला जो आपका r1 है, R1 का लेंथ और ब्रेड्थ, पहले लेंथ और ब्रेड्थ क्या था, पहले लेंथ और ब्रेड्थ था जो R1 का, वो लेंथ और ब्रेड्थ यहां कर सकते हैं, तो ये 3 बाई रूट टू और 2 बाई रूट टू था, ये लेंथ और ब्रेड्थ था, एक मिनट, ये लेंथ और ब्रेड्थ था, नहीं ये हमारे पास ये टू टाइम्स हो जाएंगे, इनके लेंथ और ब्रेड्थ इसके टू टाइम्स हो जाएंगे, तो ये टू टाइम्स है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम R2 का लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वन बाई रूट टू से और डिवाइड हो जाएगा, तो R2 का क्या हो जाएगा, R2 का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिक्स बाई रूट टू का स्क्वायर और फोर बाई
रूट टू का स्क्वायर। इस तरीके से ही हम देख रहे हैं कि ऐसे बढ़ रहा है। अब यहां हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं, तो ऑप्शंस पे आते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। ऑब्वियसली ये यहां इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए इलिप्स का सेंटर वही है, एक्सिसेस भी वही है, तो ये इलिप्स और ये इलिप्स सब एक सिमेट्रिकल फिगर बना रहे हैं, तो सिमेट्रिकल फिगर है तो इनके इसेंट्रिसिटीज इक्वल होने चाहिए। जबकि इक्वल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है, ए ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ E9, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ E9, तो E9 का अगर हम ए बी देखें तो इसेंट्रिसिटी तो आपको पता है सबका सेम होगा, तो अगर हम इसकी इसेंट्रिसिटी निकालें, तो इसेंट्रिसिटी निकालें तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, 1-4/9, तो ये कितना हो जाएगा, √5/3, ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया इलिप्स का। अब E9 में क्या हो रहा है, E1 में यहां √2 की पावर 0 हो रहा है, E2 में √2 की पावर 1 हो रहा है, E3 में √2 की पावर 2 हो रहा है, तो E9 में क्या होगा, E9 में हम लोग देख सकते हैं a/√2 की पावर 8 होगा यहां, और यहां क्या हो जाएगा b/√2 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये a और b है E9 के। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ए ई होता है, तो ए ई की वैल्यू निकालनी है, ए ई डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम सेंटर ये हमें ए ई निकालना है, ए ई, तो ए ई नाइन का हमारे पास ये है a/√2/8, और e हमें पता है सारे इसेंट्रिसिटी सेम होंगे सारे इलिप्स के, तो ये √5/3 है। अब यहां से हम देखते हैं ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और a की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो √5/4 जो कि 16 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है √5/32, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। सो हमने दो ऑप्शंस देखा रॉन्ग है, ए एंड बी आर नॉट करेक्ट आंसर। सो अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है कि एरिया ऑफ आर एन। अब एरिया ऑफ आर एन R1, R2, R3, अगर हम रेक्टेंगल्स के एरिया देखें तो हम लोग ये देख चुके हैं कि अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा R1 है, R1 का लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ है 6/√2, 6/√2, और यहां 4/√2 था, ठीक है, यही था। R2 का था 6/√2, एक और डिवाइड हो जाएगा 4/√2, एक और डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से हमें R1, R2, R3 के। अब इनका कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया अगर हम लोग देखते हैं, एरिया निकालना है ये N1 से लेके कैपिटल N तक, और एरिया ऑफ RN क्या ये 24 से छोटा है, ये चेक करना है। तो हम लोग देखते हैं जब एरिया निकालेंगे तो ये क्या है कि N तक गया है, एक N तक का टर्म है, तो हम जो एरिया निकालेंगे वो क्या आ रहा है, एरिया पहले का एरिया क्या आ जाएगा, 24/√2 का स्क्वायर, दूसरे का एरिया आ रहा है 24/√2,
का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर रूट टू की पावर फोर आ जाएगा। इस तरीके से ये एरिया जा रहा है, तो पहले में टू है, दूसरे में फोर है, तो एनएक्स में हम लोग देखते हैं कि यहां 24 बाई रूट टू की पावर 2n जैसा आ जाएगा। यहां हम लोग देख रहे हैं ये आ रहा है, तो जब हम ये देख रहे हैं तो यहां 24 तो कॉमन आ जाएगा, और ये क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n हो जाएगा ये, तो 1 माइनस हम लोग देखते हैं 1 माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई 2 की पावर n हो जाएगा, जो ऑब्वियस सी बात है 24 से, क्योंकि ये 24 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, ये मल्टीप्लाई होने पे ये 24 से छोटा ही रहेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली हम लोग लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 फाइंड कर सकते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 हम लोग देख रहे थे कि ए और बी क्या था, E1 का ए क्या था 3/√2, और इसका क्या था, E1 का 3 था, सॉरी E1 का 3 था और E2 का 2 था, और E2 का था 3/√2 और ये 2/√2 था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो E9 का A और B होगा वो क्या होगा, इसका 3/√2 की पावर 8 आ रहा है, और इसका क्या रहा है 2/√2 की पावर 8 आ रहा है। E9 के ये A और B हैं, तो इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम LR क्या होता है 2b² / a, तो b स्क्वायर इसका कितना होगा, इसका स्क्वायर, अब ये 2/2 की पावर 4 है, तो 2 × b² विच इज स्क्वायर ऑफ दिस, तो 2² और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2^8 आ जाएगा बाई ए, ए कितना है, ए है 3/2 की पावर 4, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/6 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 डिस्कस किया जिसका सी और डी ऑप्शंस करेक्ट है, सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। होप दिस इज आंसर्ड। सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और वो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो लेट ए एंड बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1 एंड बी इज लेस देन ए। ध्यान देना है यहां बी इज लेस देन ए। पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला पी पासिंग थ्रू 1, 0 एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पी कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, लेट डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट पी द नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस, इफ ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑप्शंस। सो हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो दिया हुआ है ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव नंबर्स, ए इज ग्रेटर देन 1, बी इज लेस देन ए, पी इज ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पी इज ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो ये एक हाइपरबोला दिया हुआ है और पी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी इज ए पॉइंट, पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला, सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द पी, इस पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया,
पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया हाइपरबोला पे, पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, ये कहां से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 1,0 से पास हो रहा है। एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी, इस पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पी कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ये, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है। कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पी द नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस के बीच में एरिया बन रहा है। सो डेल्टा डिनोट्स द एरिया ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट पी द नॉर्मल एट पी, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये ए है ये बी है, हम लोगों को ये ए और बी पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहां हम लोग एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि कोई इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये इसका नॉर्मल का स्लोप ये m माइनस 1 हो जाएगा और टेंजेंट का स्लोप 1 हो जाएगा, इसका स्लोप m हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो हम लोग देखते हैं टेंजेंट, अगर टेंजेंट लिखें, टेंजेंट लिखें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस, अब टेंजेंट 1,0 से पास हो रहा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1, x1 इज 1, ये आ गया y इक्वल टू x माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ओके। तो ये टेंजेंट है और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है हाइपरबोला को, वो मान लेते हैं ये x1 y1 है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं टेंजेंट एट x1 y1 ऑफ द हाइपरबोला x x1 by a स्क्वायर माइनस y y1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 है ये 2 है, 1 एंड 2 आर सेम, 1 एंड 2 सेम, ये 1 और 2 सेम है, तो कंपेयर द कोफिशियंट। अब इसमें हम लोग इसको एक तरीके से लिख के कंपेयर कर देते हैं कोफिशियंट को, तो ये x माइनस y इक्वल टू 1 है और ये आपका x x1 by a स्क्वायर माइनस y y1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से कंपेयर करें तो x1 by a स्क्वायर by 1 इज इक्वल टू y1 by b स्क्वायर, y1 by b स्क्वायर माइनस है बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से x मिल गया हमारे पास a स्क्वायर और y मिल गया b स्क्वायर, ध्यान देना है ये मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। दिस मीन्स दैट हम लोग अब नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है और हाइपरबोला पे पॉइंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, सो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला, नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये जहां पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा एट एक्स एक्सिस y वहां जीरो होगा, तो यहां y जीरो पुट कर देते हैं, तो पुट y इक्वल टू जीरो, y जीरो पुट कर दें अगर यहां, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a स्क्वायर, तो x हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारा b का कोऑर्डिनेट आ गया वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा जीरो आ गया, ये आ गया। आप क्या दिया हुआ है, अब इन्होंने कहा है इसेंट्रिसिटी, सो इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी हम लोग निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी, अब देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि हम लोगों को इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, हाँ इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, चलिए ई निकालते हैं, तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नॉर्मल की इक्वेशन को हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पास करवा देना है। सो नॉर्मल की इक्वेशन को अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पास करवा दे तो वहां से हमें बेसिकली, अब यहां पे एक और रिलेशन आ जाता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में। ठीक है, तो यहां कहा गया है कि लेट टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पी, नॉर्मल एट द पी कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द क्वाड्रेंट, लेट द डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट पी एंड एक्स एक्सिस, इफ ई डिनोट्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस। So, यहां पे हम लोगों को एक और चीज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिलेशन आता है, तो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है हमारे पास एक और रिलेशन आता है, वो आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सपोज द टेंजेंट एट द पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड द नॉर्मल नॉर्मल कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना रहा है, तो इसलिए हम लोगों का ये जो पॉइंट हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, तो इसलिए यहाँ से ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, और वो अगर हम इधर रख दें तो यहां आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर ये लेस देन 1 होगा, इसमें 1 ऐड कर दें और रूट ले लेते हैं, तो ये दिख रहा है कि ये इसेंट्रिसिटी हमारा रूट 2 से छोटा होना चाहिए, रूट 2 से छोटा होना चाहिए, बट इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये हमारा रिलेशन 1 टू रूट 2 के बीच में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा एरिया, एरिया फाइंड करते हैं, तो कह रहे हैं इसका एरिया डेल्टा अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इसका एरिया दिख रहा है कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 1 है, तो इसमें से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 ये बेस की लेंथ हो जाएगी, जो कि इतनी लेंथ हो जाएगी वो बेस की लेंथ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 ये बेस की लेंथ हो जाएगी, और हाइट इसका दिख रहा है ये कितना है बी स्क्वायर, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हाफ बेस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 इंटू हाइट, हाइट इज बी स्क्वायर, बट हमें एक रिलेशन पता है ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग वो रख देते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर, सो ये 1 से 1 कट गया और ये 2 बी स्क्वायर हो गया, और ये कैलकुलेट होके बी की पावर 4 आ गया, सो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया बी की पावर 4 आ गया, सो जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो इसलिए ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, ये ए और डी ऑप्शंस करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, ये रिलेशन ध्यान देना है, यहां एक रिलेशन आया है जो कहां से आया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर मैं हाइपरबोला में रख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हाइपरबोला में रख देता हूं, तो वहां से हमें मिल जाएगा ये रिलेशन, हाइपरबोला हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से पास हो रहा है, तो वहां से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन। तो देखिए यहां पर हाइपरबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये कहां से आया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हाइपरबोला
पे है, तो हाइपरबोला में अगर हम x की जगह a स्क्वायर रख दे तो a की पावर 4 बाई ए स्क्वायर और b की पावर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यहीं से हमें यह रिलेशन मिला है जिसको हमने यूज किया है। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने देखो ये पॉइंट फाइंड किया था टेंजेंट की हेल्प से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हाइपरबोला पे लाई कर रहा, तो हाइपरबोला में हमने सेटिस्फाई करवा के ही ये रिलेशन निकाला था, ध्यान देना है, उसी को हमने यूज किया है आगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसका ए और डी ऑप्शंस आ रहा है। सो ए एंड डी ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ए एंड बी एंड लैम्डा बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी एंड लैम्डा आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, पी इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला इसका लेटेस्ट रेक्टम है का एंड पॉइंट है जो कि पी है। एंड सपोज एन इलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, एक इलिप्स है जो इस पॉइंट पी से पास हो रहा है। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द, तो देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये इलिप्स और हाइपर पैराबोला है, ये पैराबोला है आपका, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का एक एंड पॉइंट जो कि यहां लैम्डा कॉमा जीरो होगा, इसका ए क्या है लैम्डा है, तो लैम्डा कॉमा जीरो हो गया और ये एल एल डैश है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, तो ये लैम्डा कॉमा टू लैम्डा, ए कॉमा टू ए लेटेस्ट रेक्टम का एंड होता है, तो ये लैम्डा कॉमा टू लैम्डा ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड हो गया। इस पे करें कि यहां से एक इलिप्स भी ड्रॉ किया गया है, यहां से एक इलिप्स ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट पे, दोनों के टेंजेंट के बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो यहां पे टेंजेंट दोनों के राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हमें इसेंट्रिसिटी पूछा गया। तो वेरी सिंपल, हमें राइट एंगल के लिए क्या करना है वाई, अब देखिए पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स है, इसको 2y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4 लैम्डा इंटू 1, तो y डैश इसका क्या हो जाएगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पे ये निकाल लेते हैं, तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो 2 लैम्डा बाई वाई, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा, यहां रख देते हैं 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, ये 1 आ गया, ये m1 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट लैम्डा कॉमा टू लैम्डा, ये आ गया। दूसरा इलिप्स का भी इसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन कर देना, तो इसमें हम क्या करेंगे इलिप्स का, तो 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स का हम लोगों ने 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो यहां 0 कर देते हैं। अब यहां y डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 से 2 कट गया, y डैश इक्वल टू क्या हो गया माइनस x बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई वाई, और इसमें लैम्डा अगर रख दें लैम्डा x लैम्डा और y क्या है 2 लैम्डा, तो ये लैम्डा और ये कट गया, अब यहां से हमें ये स्लोप m2 आ गया। अब m1 और m2 को हमें क्या कर देना है, अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो यहां m1 और m2 का प्रोडक्ट माइनस वन कर देना है, ठीक है, तो m1 हमारे पास क्या था 1 और m2 हमारे पास क्या आ गया था माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई माइनस वन, तो ये माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा और यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है 1 प्लस
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां हमें जो दिया हुआ है ये अगर हम 2 रख देंगे तो सॉरी इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स है, यहां एक गलती हो गई, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला ना होके इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स है, तो यहां माइनस होना चाहिए, यहां माइनस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहां हमारा जो फॉर्मूला है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए, अगर हम बी की वैल्यू यहां 2 रख दें बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की, तो ये देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रेशियो 2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी यहां ए से बड़ा नहीं है, तो यहां पे हम लोग इसको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इलिप्स हमारा वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा है, तो ये हम 1/2 लेंगे यहां, तो ये हमारा जो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन हो जाएगा वो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चेंज्ड है, तो यहां रख देते हैं 1 माइनस ये 1/2 है और ये 1/√2 आ जाएगा। तो हमारा जो इलिप्स बन रहा है, जो ये इलिप्स है, ये हमने जो डायग्राम बनाया है, इनफैक्ट ये ना होके हमारा इलिप्स इस तरीके का है, क्योंकि यहां पे बी ग्रेटर देन ए का केस नहीं है, यहां ऐसा इलिप्स है, इसलिए हम लोग ये करेंगे, क्योंकि इलिप्स अगर हम यहां 2 रख देंगे तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का जो रेशियो है बेसिकली वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रेशियो है, तो ये 1/2 रख देंगे जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ये करेक्ट है। तो ये हमने डिस्कस किया जो यूनिट 5 मैथमेटिक्स का पार्ट था जो डिस्कस किया गया। होप दिस सेशन वाज वेल, थैंक यू।